अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। सो अभी हमने सहरी वगैरह, मैंने तो खा ली है, अंजा अपनी सहरी खा रही है, खुजर अपनी सहरी खा रहा है, और ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। जीजा जी छत पर है, ये लोग दोनों देख रहे हैं। जीजा जी छत पर है, फिर क्या देख रहे हो? सज्जन रे झूठ मत बोलो। अच्छा, ये सज्जन रे झूठ मत बोलो देख रहे हैं। वैसे तो हम सहरी वक्त जब सहरी करते हैं तो हम ब्लॉग ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन आज शुरू ही हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ब्लॉग में हम सहरी के बाद क्या करते हैं मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था, फिर आज दिखा रहे हैं। हम सोच रहे थे ब्लॉग स्टार्ट करें, लेकिन अंजा आज सो गई और मैं खाना बना रही थी तो अंजा उठ रही थी, सो रही थी तो अंजा अपनी फ़ोन यूज़ कर रही थी, तो हम अंजा ही फ़ोन से ब्लॉग करते हैं, इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए। The next day. Hello everyone. So अभी ना 4:30 हो रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तो नहीं है, खैर शाम हो गई है और मम्मा अभी थोड़ा नाराज़ हो रही हैं हमसे। मम्मा, आप जो मैं बाहर लेकर चल रही हैं तो आप किस हिसाब से भिंडियाँ वगैरह बना रही हैं? किस भिंडी इसलिए बता रहे हैं कैसे चलेंगे तो क्या उधर तो रिफ्रेशमेंट लोगी ना? हाँ, उधर रिफ्रेशमेंट क्या मम्मा, उधर प्रॉपर खाएंगे ना हम लोग? मैंने कहा कि वहाँ तो चल के रिफ्रेशमेंट खाओगे ना। अच्छा, अभी जो है ना हम लोग तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह डिसाइड करते हैं क्या पहन रहे हैं। चलो अंजा का कपड़ खोलते हैं हम भी। अरे हाँ, मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। आप तो ब्रो हैंडसम है, आप तो कुछ भी पहनेंगे अच्छे लगेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी पूछो सही, मैं क्या पहनूंगा? क्या पहनोगे? कपड़े पहनूंगा। चलो कपड़े पहनेगा। अभी जो है ना हम ये बुक्स वगैरह रख लेते हैं, क्योंकि मम्मा बोल रही है अगर बाहर चलना है तो पहले थोड़ी समेटो जो गंद को उन लोगों ने बचाया है। अंजा के कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे। अंजा क्या हुआ? मैंने बोला हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये पहन रही है। दिखाओ, ये पहनू फिर वॉश करके देना। अंजा ये पहन रही है, एंड मैं ये पहन रही हूँ और मैं नेल पेंट लगाई है गाइस, इट्स हलाल। ओके, ये नॉन अल्कोहलिक है, प्रेस भी की हुई है, ये भी प्रेस की हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेस हुई है। ये देखे, ये लाइन देखे, ये तो फोल्डिंग की लाइन है ना, आती है ये, इतना चलता है ना। आई एम वेयरिंग दिस, ये भी जनरेशन का है, ये भी जनरेशन का। पहले मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। व्हाट इज दिस? मम्मा नाइफ मांग रही है अंजा। जो भी नाइफ उठाऊंगी वो आप लोगे। मम्मा कह रही है जो भी नाइफ उठाओगी आप लोग लोगे, जाहिर ही बात है हम बेटियां हैं। थैंक्स। तो ऐसी नस्लों में बेटियां नाइफ नहीं लेती क्या? डियर नाइफ दे दे। नहीं बेटियां नाइफ नहीं लेती। फिर बेटियां क्या लेती हैं? ये नहीं। थी एल्सा जो है वो शरबत बना रही है, शरबत बना रही है। आज हम लोग शरबत जग में बनाएंगे। मम्मा से पूछते हैं। मोदी, यस यस मोदी मोदी, यस जग में शरबत बनाए, चंबा खाऊंगी। चलो आज ना मोदी एक मिनी सा बैग गेट रेडी विथ मी कर लेते हैं सेशन, क्योंकि हम वैसे भी मैं रेडी हो रही थी, आप लोगों ने काफी मुझे रेडी होते हुए देखा नहीं है। सो पहले मैंने जो है ये रोज वाटर लगाया है, ये मैंने लगा लिया है, तो फिर मैंने सोचा कि हम गेट रेडी विद मी करते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं और सर्दियां कुछ भी हो आप अपना सनब्लॉक कभी नहीं भूलिएगा। अभी मैं सनब्लॉक अप्लाई कर रही हूँ और ये जेड का मैं अप्लाई कर रही हूँ सनब्लॉक, बिल्कुल इतना सा सनब्लॉक आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। बाय द वे अभी वैसे भी शाम है, लेकिन सनब्लॉक शाम और रात तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ, सनब्लॉक के बगैर मेरा तो गुजारा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं ना ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो इतनी भाई गर्मी भी तो ना हो ना, मुझे मॉइस्चराइज भी किया करें अपनी स्किन को ज़रूर, क्योंकि पता है मुझसे कभी कभी लोग पूछ रहे हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है। मेरी स्किन ग्लो नहीं करती, मैं जो ना अपनी स्किन को प्रेप करती हूँ इतने मॉइस्चराइजर लगा लगा के। आज मैं इतने नहीं लगा रही, वैसे मैं टोनर भी लगाती हूँ, दो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, सीरम्स लगाती हूँ, उसके बाद मेरी स्किन जाके थोड़ी सी सही होती है। लेकिन आज हम इतना कुछ कर नहीं रहे, जो थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो
आज बस हल्का सा स्किन पैक मैं सोच रही हूँ कि ना मैं थोड़ा सा दूसरा वाला मॉइस्चराइजर लगा लूँ। ये मैं MK कॉस्मेटिक्स वालों का लगा रही हूँ अभी, क्योंकि भाई मुझे जो है ना बिल्कुल भी ड्राई मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। किसी किसी को पसंद होता है लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतना शिवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम से कोई मेकअप वीडियो कुछ नहीं बनाई, तो इस वजह से अभी जो है ना मुझे लग रहा है मेरी स्किन बहुत हद तक प्रेप हो गई है। हाँ, काफी हद तक स्किन मेरी प्रेप हो गई है। अब इसको हम 2 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेकअप करते हैं अपना। वैसे मैं और ज्यादा स्किन प्रेप करती हूँ, उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रॉपर जो है ना एक गेट रेडी विथ मी करूंगी, कहीं ना जाते हुए भी। अभी तो मैं जा रही हूँ इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, मम्मा वरना नाराज हो जाएंगी। मैं ये ब्यूटीफाई मैं आमना का अंधा पीछे चिल्ला रही है, अंधा मैं गेट रेडी विथ मी कर रही हूँ करो। हाँ अभी जो है ना मम बिल्कुल एक पंप लगाएंगे, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, शादी नहीं है अंजा की। अंजा तुम गेट रेडी विथ मी कब करोगी? जब अल्लाह पाक ने हिदायत दी। अभी जो है ना आई मेकअप भी करूंगी। पागल हो के, शीशा मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर मैं किसको देख के करूँ, लगाऊ ब्लेंड करूँ। तो अभी जो है ना मीन्स मैं फोन नहीं ले सकती। नहीं, यू कांट टेक योर फोन राइट नाउ। पता है हम गर्मियों हम रमजान में इतने काले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अंजा तुम भी ना अब तकरीबन मैं रेडी हो गई, बस हमारा अब अगर फाउंडेशन लग गया तो समझे मैं तो रेडी हो गई भाई। वैसे मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ जब भी हम बाहर जाते हैं, अब बीबी क्रीम हमारी हो गई है खत्म, तो इसलिए नो बीबी क्रीम, हल्का सा फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं बस। आप ना अच्छा मुझे बताइएगा, आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं? मैं तो डैम यूज करती हूँ, उससे जो है ना आपका बहुत ही अच्छा फिनिश आता है आपके फाउंडेशन का। फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, अब हम हल्का सा टिंट लगाएंगे। मैं जो ये मैबलिन का चीक हीट टिंट यूज करती हूँ, इससे भी जो इससे बहुत ज्यादा ग्लो आता है फेस पर, बहुत ज्यादा। ये फिर वापस मेरी पास में नहीं। हाँ, ये अंजा ने यूनिवर्सिटी अंजा ने जाना स्टार्ट किया है ना, तो अंजा ये अपने पर्स में ही रखती है, तो अभी मैंने उसकी पर्स से स्पेशली ट्यूटोरियल बनाने के लिए निकाला है। कभी नीड हो जाए। हाँ, कभी नीड हो जाए। अंजा को ना मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं है, ठीक है। मम्मा कहती है मैं किस किस किस्म की मेरी बेटी है, एक बेटी को कहना पड़ता है इतना मेकअप मत करो, दूसरी को कहना पड़ता है बहन थोड़ा मेकअप करो। क्योंकि ना मुझे ना बहुत ही रेड रेड होना पसंद है, बहुत ज्यादा। अभी मैं सीख रही हूँ मेकअप करना। हाँ, अभी अंदर सीख रही है मेकअप करना। पता नहीं क्यों मेरा ऑयल कलर डिम क्यों लग रहा है आज, लेकिन चलो जो है यही है, क्या कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि शीशा नहीं है तो मैं कैमरा में देख नहीं सकती, बैक कैमरा में मैं किस चीज को देखूँ, इसलिए हम नीचे ही देख रहे हैं। आईब्रोज नहीं बनी हुई तो इसका कुछ कर नहीं सकती, लेकिन इसको ब्रश कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा साफ लगे, साफ क्या लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी साफ। और हल्का सा और टिंट लगाऊंगी, क्योंकि आई लाइक टिंट, आई लाइक रेड मेकअप। मेरे कबर से क्या ले रही हो? घर की ड्रेस। अंदर ना नया एक रूल पता नहीं क्या शुरू किया है। जुबेर भाई आपने घर में डोर बंद करे ना प्लीज, ये घर की कपड़े नहीं है। नहीं ये नहीं है, आपने मुझे कपड़े नहीं निकाल कर दिए थे। जुबेर भाई बेचारा हमसे इतना तंग आ गया है, सोचता होगा किन पागलों में मेरा पाला पड़ा है। हेलो, आई एम रेडी, बस अब अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। चलो भाई मैं तो अब रेडी हो गई, कपड़े वगैरह मैंने पहन लिए और मेकअप भी मेरा हो गया है, और क्या। और अब देखते हैं इनकी इफ्तारी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लूँ, सोच रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, और मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ कौन सा पहना रहा है, कैसा लग रहा है। दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स। हमारे घर ना आज कोई घूमने आया है, मम्मा बुला रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्यों वाली रोजा है आपका? आपका रोजा है? ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये?
हमारे पारे पे रहता है। आपके पड़ोस में रहता है, आपके पारे में रहता है। अच्छा, इनके पारे में रहता है ये। आप आज क्या लेकर आई हैं? दिखाएं मम्मा क्या लेकर आई है। लेकर आई है जर्दा मीठा। वाओ, मम्मा को पसंद है बहुत। और ये आंटी ने भेजे, रोज भेजे। अच्छा, और उसने कहा है कि अभी खुद फ्राई करके खाओ। हम नहीं करके देंगे फ्राई, खुद टाइगर है। मैं तो यार कब से रेडी हो गई हूँ, इनका प्लान पता नहीं क्यों चेंज हो गया। ये बोल रहे हैं कि अब रोजे के बाद चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 बज गए हैं, साढ़े छः हो गए हैं। तो इसलिए मम्मा कह रही है खाना वगैरह खा लें या थोड़ी सी इफ्तारी कर लें फिर चलते हैं, क्योंकि जब तक जाएंगे रोज़ा खुल जाएगा, खुआरी हो जाएगी बहुत। तो अभी मम्मा खाना बना रही थी आज वैसे भी, और खाला ने कुछ शायद भेजा है, तो वो मम्मा आती है तो दिखाती हूँ। और बाकी अंदा को देखते हैं, अंदा क्या कर रही है। अंदा तुम क्या कर रही हो अभी तक? थोड़ा तैयार हो रही थी। अच्छा, ये अंदर रेडी हो रही है और मैं रेडी हो गई हूँ आज रो हेयर स्टाइल। बस थोड़ा सा मैंने ऐसे क्लिप लगा दी पीछे से। चलो अब मैं यही वाला ब्लॉग एडिट करती हूँ। अच्छा यार, अभी इफ्तारी टाइम हो गया। आज हम ऐसा कुछ खा नहीं रहे क्योंकि मम्मा ने खाना बना लिया। हम बाहर जा रहे थे इफ्तारी से पहले, लेकिन टाइमिंग की वजह से नहीं जा पाए। तो हम अभी भी जा रहे हैं और कैसे भी जाएंगे फिर। अब वहाँ नेक्स्ट अलग ब्लॉग होगा शॉपिंग वगैरह जो हम आज करेंगे। सो इफ यू गाइस लाइक द ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज लाइक। अल्लाह हाफिज। आप बोलो। अंजा भी कह रही है, अंजा भी बोलेगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज लाइक।